बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमारे खेत में हमारे पास बहुत से केले के दरख्त हैं और केलों के ऊपर ना केलों के दरख्त के ऊपर माशाल्लाह केले भी लगे हुए हैं। तीन लुंगर हैं, एक वो रहा, दूसरा ये है और तीसरा जो है ना इस लुंगर के पीछे है, वो रहा पीछे। तो अभी इनको उतारेंगे। बहुत टाइम पहले ही इनको उतार लेना चाहिए था, लेकिन 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 लड़के ने कर दी हड हरामी, सुस्ती कर दी। तो उस वजह से ना थोड़े से केले ख़राब ही हो गए हुए हैं। वो जो तीसरा लुंगर है ना वो पीछे वाला, उसके कुछ केले जो हैं वो ख़राब हो गए हुए हैं। बट चलो कोई नहीं, जो होना था हो चुका है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो अभी जो है ना हम उतारते हैं केले, लुंगर जो हैं तीनों लुंगर उतार लेते हैं नीचे। माशाल्लाह घर के केले और ये 110% ऑर्गेनिक हैं। कोई खाद, कोई स्प्रे, कुछ नहीं किया हुआ हमने। केले जो हैं वो दरख्त के ऊपर नहीं पकते, इनको उतार लेते हैं और फिर रख देते हैं। कुछ दिनों बाद जो है ना ये पकते हैं, फिर इनका कलर जो है ना ग्रीन से येलो हो जाता है। और एक और ख़ास बात है कि केले के एक दरख्त पे एक बार ही फल लगता है, फिर उसे काट देते हैं, फिर नीचे से एक दरख्त निकलता है, फिर उसके ऊपर फल लगता है। तो हमने एक केले का दरख्त लगाया था और अभी माशाल्लाह देखें कितने ज़्यादा दरख्त हो गए हुए हैं इधर। और केले का दरख्त वाहद ऐसा दरख्त होता है जिसमें कोई लकड़ी नहीं होती। ये हमने दांतरी के साथ ही से काट लिया है। वो खलो दांतरी दबाओ मैं गुलूंगा दोनों आ गया नीचे। माशाल्लाह देखें जी इतने ज्यादा केले, वाह सुभान अल्लाह। वैसे भी इस दरख्त को काटना ही था, इसका कोई काम नहीं था क्योंकि इस पे फल लग चुका है, इसको काट दिया है। अभी नीचे से एक और पौधा निकलेगा और उसके ऊपर अगेन अगले साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह केले लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूसरा लुंगर भी उतार लेंगे। इस पे केले कम लगे हुए हैं और ये केले ख़राब ही हो गए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये केले सही हैं, ये सही हैं, खाए हैं। जो केले ख़राब निकले हैं ना उसके दरख्त में देखें जी कीड़े, कीड़ा लग गया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी जो लुंगर रह गया है ना वो सबसे बेस्ट है, उसे कोई मसला नहीं है, कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है, फुल ग्रीन है माशाल्लाह, खूबसूरत लग रहा है देखने में। अभी तीसरा लुंगर उतारते हैं। ये देखिए माशाल्लाह सबसे बेहतरीन केले, ये सबसे तंदुरुस्त केले हैं माशाल्लाह। फिर उसके बाद ये वाले तंदुरुस्त हैं, फिर आखिर में आते हैं ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सही है। तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा केले हो गए हैं घर के और वो भी ऑर्गेनिक। तो अभी इनको पकाएंगे हम, घर लेके जाएंगे। मुझे सच बताऊं तो सही से नहीं पता कि इनको कैसे पकाते हैं। बचपन में हम कच्चे आम पकाया करते थे, उनको हम पता क्या करते थे, हम आम लेते थे कच्चे और उनको ना गंदम के अंदर रख देते थे, जहाँ पे हीट होती थी, हमारे पड़ोले में गंदम पड़ी होती है उसके अंदर रख देते थे और 5-6-7 दिनों के बाद जो है ना वो कच्चा आम पक गया होता था। फिर उसके अलावा तूड़ी होती है जो जानवरों के आगे हम भूसा डालते हैं ना, उसमें भी थोड़ी हीट होती है, फिर उसके अंदर रख दिया करते थे, 5-6 दिनों बाद कच्चे आम जो हैं वो पक गए होते थे। तो इनको पकाने का मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसे पकाते हैं। लास्ट टाइम भाई मुबशर ने एक लुंगर उतारा था और उन्होंने पकाया था तूड़ी में रख के, भूसे में रख के जानवरों के। केला चेक कर लगे, ये थोड़ा सा येलो हो गया हुआ है केला, यहाँ से केला पक गया हुआ है, थोड़ा पीला भी हो गया हुआ है। तो नीचे से कच्चा है, ऊपर से छिलका जो है ना ईजिली उतर रहा है, जैसे ही नीचे जाएंगे ना छिलका सही से नहीं उतर रहा। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़े का होगा। ओए यार भाई जान चेक करें, है ना, कैमरामैन को भी चेक करें। वड्डी टक्की ना मारी, कच्चा निकला नहीं थलो। केले अल्हम्दुलिल्लाह हम घर लेके आ चुके हैं। अभी सबसे अहम और मुश्किल पार्ट इनको पकाना, कैसे पकाना है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक आइडिया है मेरे जहन में, जो दवाई आम और मुख्तलिफ फ्रूट पकाने के लिए इस्तेमाल होती है ना वही मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस्तेमाल करूं और इनको पकाऊं, और मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं केले ख़राब ना हो जाएं। फिर दूसरा भी है कि इनको ना हम भूसे में दबा दें और कुछ दिनों बाद तक ये पक जाएंगे, लेकिन वो अंदर से ना थोड़े कच्चे रह जाते हैं, तो वो भी इतना अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन मेरा ज़्यादा दिल जो है ना वो कर रहा है कि मैं दवाई लेके आता हूँ, उससे इसको पकाएंगे। दवाई को क्या करेंगे कि इनको एक थैले में डालेंगे, दवाई बीच में डालेंगे और बंद करके रख देंगे कुछ दिनों, ताकि ये ग्रीन से येलो हो जाएंगे और दूसरा पक जाएंगे। ये मुझे उम्मीद है। भाई कह रहे हैं कि दवाई जो है ना वो सिर्फ आमों की पेटी से निकलती है, तो अभी तलाश कर रहे हैं, चांसेस तो मुझे कम लग रहे हैं क्योंकि आमों का सीज़न भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन आम हैं अभी भी भाई के पास।
ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਲਿਆ ਲੋਗੇ ਪਸੰਦ ਸਵਾਲ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਂ ਲੈ ਨੌਂ ਦੱਸ ਦੇ भाई का कहना है कि वो दवाई कहीं से भी नहीं मिलेगी, सुबह मैं आपको कहीं से बंदोबस्त कर दूंगा। ये दवाई थी जो हमें नहीं मिल रही थी, फाइनली मिल गई है। और इस दवाई के लिए हमें ख़ुद टाउन आना पड़ा है। जिस भाई ने कहा था ना कि मैं ले आऊँगा, उनको भी नहीं मिली थी, तो अभी हम खुद आए हैं तो हमें मिल गई है भाई साहब। ये रहे जी केले के तीन लूंगर हमारे माशाल्लाह। तो इनमें से ये जो दो है ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इनसे हम केले उतार लेंगे और ये जो लूंगर है ना इसको हम पूरा पकाएंगे, इनसे हम केले उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे केले इनसे उतार लेंगे, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देखें कितने ज्यादा केले जो हैं उतरे हैं एक लूंगर से। ओए होए होए होए, हम दुकान डाल सकते हैं अभी। इस लूंगर को चूंकि हमने पूरा पकाना है तो इससे केले नहीं उतारेंगे, लेकिन ये जो नीचे है ना फूल, इसे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पुड़ियां अभी मैं लेके आया हूं ना, इन पे आप देख सकते हैं ये केले भी पकाती हैं, सेब भी और आम भी। कोई भी फ्रूट हो जिसको पकाना हो, ऐसे उतार के उनको ये पका देती हैं। तो भाई ने कहा था कि थोड़ा सा इनको पानी में भिगो लेना है, इतना ही सही है। और अभी इसको रखेंगे बीच में, सही है। फिर ऊपर केले रखेंगे, एक पूड़ी और लेंगे, भिगोएंगे और बीच में रख देंगे। अब आपको अंदर से अच्छे तरीके से निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। ये वॉशिंग मशीन का कवर है और ये है वाटरप्रूफ। तो अभी इन दोनों को इसके अंदर डालेंगे। इसको भी ऊपर से बांध देंगे। ये तीन मोटी चादरें मैं लेके आया हूँ, ये भी इनके ऊपर डालनी है। इनको पूरा दम देना है, पंजाबी में दब्बू देना है, ताकि हमारे केले जो है ना ये जल्दी तैयार हो जाए। तो अच्छी तरह से दम लगा दिया है अपने केलों को, दब्बू लगा दिया है। अभी उम्मीद है कि ये दो तीन दिनों में तैयार हो जाएंगे। आज तारीख है 8 सितंबर, 10 सितंबर या 11 या 12 सितंबर, जब भी तैयार हो गए आपको तब हम मिलेंगे। बाकी बीच बीच में मैं इनको चेक करता रहूंगा। आज तारीख है 8 सितंबर। तो बाकी उम्मीद है कि केले हमारे पक जाएंगे। मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि पहला तजर्बा है। बाकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक अपना करम करेंगे और हमारे केले जो है ना वो पक जाएंगे, ऑर्गेनिक केले घर के। ओए होए होए होए, बाशो स्वाद आएगा। इधर झाड़ू लगाऊंगा मैं। सफाई मैंने कर दी है जी, बाकी इंतजार करते हैं अभी। आज 11 सितंबर है, सुबह का टाइम है और मैंने जनाब केले चेक करने के लिए ना सारा कुछ साइड पे किया था, और जैसे ही मैंने इसे हटाया ना तो मैंने देखा कि केले तो अपने अभी भी ग्रीन हैं। तो मैं थोड़ा सा ना मतलब वो मुझे दुख हुआ कि यार इतने दिनों में अभी तक येलो नहीं हुए। तो भाई मुबशर आए हैं, उन्होंने ऐसे आगे केले को दबाया तो केला जो है वो पुल पुल हो गया हुआ, मतलब ना नरम हो गया हुआ। तो केले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पक चुके हैं, लेकिन कलर इनका भी ग्रीन ही है। अभी भाई मुबशर कहते हैं कि 1-1.5 घंटा इनको ना बाहर हवा लगाओ, एक दिन के लिए तकरीबन खुलेगा ना, तो फिर कलर इनका बाहर से भी चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से पक चुके हैं, ये तैयार हैं, आप खा सकते हैं। ये देखें जब ऐसे दबा रहे हैं ना तो ये बिल्कुल नरम हो चुके हैं। मीठा नहीं है। बिस्मिल्लाह, फीका फीका मीठा नहीं है, बस अब इसको 1-2 दिन पड़ा रहने में। ऐसे खोल के क्या दिन थे हैं जब मैं भी ऐसे बैग पहन के स्कूल जाया करता था, मज़े के दिन थे। खैर आज 5वां दिन है केलों का। 8 सितंबर को मैंने उनको दबा दिया था दवाई शवाई रख के, तो आज 13 सितंबर है। निकाल तो दिए हुए हैं, अंदर से पक गए हुए थे, लेकिन उनको मैंने 1-2 दिन छोड़ दिया था कि बाहर से वो येलो हो जाएं और अंदर से मज़ीद जो है ना वो मीठे हो जाएं। तो या तो आज केले ख़राब हो गए होंगे या तो एकदम मतलब तैयार हो गए होंगे, बाकी देखते हैं चल के।
वाओ, ये देखें भाईजान, ये वाले सबसे अच्छे तैयार हुए हैं। इनका तो ऑलरेडी कुछ का ना कलर जो है ब्लैक हो गया हुआ था, लेकिन ये जो है ना माशाल्लाह देखने में तो एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। बाकी अभी हाँ जी देखे माशाल्लाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हमारे घर के केले हैं। मतलब कमाल, इतना अच्छा रंग तो उन केलों का भी नहीं होता जो हम मार्केट से लेते हैं। आए ताले ताले उतारे 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 भाई, जोर लगा के रखते करो और देखे ले। बिस्मिल्लाह, सच बता रहा हूँ आपको, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उस दिन भी आपने चेक किया था, आज भी करें। परफेक्ट, सही तरह जो कहते हैं ना पक गया वो। बाकी रंग देखे यार, इतना येलो, ओए होए होए होए, दादा लाए ते पोतरे खान, हैं पोतरियां पोतरे खान, आज खांदे पे तुसी दादे ने लाया। ये दादा जान ने केले का दरख्त लगाया था काके भाई, माशाल्लाह। चेक ते करवा आगे, पैकिंग में आप 50 दिन रख दें खराब हो जाएंगे, रंग नहीं बदलेगा, रंग सब्ज ही रहेगा। ये भी हमने सीखा है इसी दौरान। बच्चों को जी मजा आ रहा है, हमारे बच्चे ऐसे हैं कि अगर इनको मजा नहीं आया ना किसी चीज का तो जितना मर्जी इनको कह लो ये नहीं लेंगे चीज। इनको मजा आ रहा है, और जिसका केला खत्म होता है ना फिर वो दोबारा उतारता है। 100-100 रुपया मिल रहा है जी स्कूल जाने के लिए, वाह वाह जी वाह, हैं बजट में इजाफा कर दिया गया है। जब मैं स्कूल जाया करता था पहले 5 रुपये मिला करते थे, जब मैं 9th क्लास में हो गया फिर 10 रुपये हो गए, और 10th में भी आई थिंक 10th में 20 हो गए थे या 10 ही थे, वैसे ही था। उससे पहले 5 रुपये मिला करते थे, 5 रुपये क्या चीज़ होते हैं, और आज 100-100 रुपया, तो फिर भी बच्चे खुश नहीं होते हैं। अभी अम्मी जान को चेक करवाएंगे जी। ए आला मान लाओ, ए आला, हाँ मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने कमाल के केले जो है ना वो तैयार होंगे। मुझे था कि खराब हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कमाल के केले तैयार हुए हैं जी। आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग टेस्ट तो नहीं कर सकते, चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन देखने में कैसे लगे हैं आपको कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो खैर, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।